इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूं कि अब ये जो नवंबर का मंथ आने वाला है, इस टाइम में आप आपके गुड़हल के पौधे में कौन सी खाद डालें या फिर किस तरह से केयर करें कि आपके भी पौधे पे लगातार फूल खिलते रहें। और इस वीडियो में आपको कटिंग भी लगाना बताऊंगी 100%, वो जिस मेथड से मैं कटिंग लगाती हूँ 100% कटिंग सक्सेस रहती है, तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माई न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, हिबिस्कस आपका एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है, जो देसी वाला हिबिस्कस होता है वो आपका फेब टू नवंबर एंड या फिर दिसंबर 15 दिसंबर तक अच्छे से फ्लारिंग करता है। उसके बाद 2 महीने के लिए वो प्लांट आपका डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये हिबिस्कस की मिनिएचर वेराइटी है, इसमें पूरे साल फूल आते हैं। इनफैक्ट ये दिसंबर जनवरी में भी अच्छे से फ्लारिंग प्रोड्यूस करता रहता है। इसके लिए बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि उनके हिबिस्कस में कलियां तो बहुत बनती हैं, लेकिन कलियां बिना खिले क्यों गिर जाती हैं। तो उसका एक, ये जो आप देख रहे हैं, मेजर रीज़न होता है ये मिलीबग। ये जब भी आपके पौधे पे कलियां बनना स्टार्ट होती है, ये वाइट कलर वाला जो चिपचिपा कीड़ा होता है जिसे आप मिलीबग कहते हैं, ये कलियों के आसपास लगना स्टार्ट हो जाता है और पूरी कलियों का रस चूसता रहता है, जिस वजह से आपके पौधे पे जो भी कली आती है वो सूख के पीली होके गिर जाती है और फूल नहीं खिल पाता। मेरे पौधे पे मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे तो मैं टाइमली चेक करती रहती हूँ, तो 1 या 2 है। अगर आपके पौधे में इस तरह से 1-2 है तो आप इनको मैन्युअली किसी भी डंडी या किसी स्टिक की हेल्प से आप हटा दीजिए, और ज़्यादा लगा हुआ है तो भी बताऊँगी कि आप कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं। हिबिस्कस की इस टाइम में जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, आप इनको मॉर्निंग की मतलब 8 बजे से ले कर 12-1 बजे तक, मतलब 5-6 घंटे की भी अगर आप धूप दे रहे हैं तो आपको फूल मिलता रहेगा। और अगर आप आपके पौधे में सनलाइट नहीं दे रहे हैं तो फिर आप कितनी ही खाद वगैरह डाल लीजिए, फूल नहीं मिलेगा। एक चीज़ और, मेरे पौधे में देखिए इस तरह से इनके कुछ कुछ पुराने पत्ते हैं जो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, वो इस तरह से देखिए फेडेड से हो रहे हैं, येलोइश टाइप में हो रहे हैं, स्पॉट्स हैं उनके ऊपर। इन सब को आप टाइमली खुद से रिमूव करके हटाते रहा करिए। जब आप पुराने पत्ते इस तरह से हटाते रहते हैं तो पौधे में नए नए पत्ते बनना स्टार्ट होता है, प्लांट अपनी ग्रोथ अच्छे से करता है। अब यहाँ पे एक बात कर रही हूँ और, कि कलियों का जो बिना खिले गिर जाने का दूसरा मेजर रीज़न होता है वाटरिंग। अगर आप आपके पौधे में वाटरिंग करने का जो सही तरीका है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तब भी कलियां बनेंगी लेकिन वो बिना खिले गिर जाएंगी। होता क्या है, समटाइम्स हम लोग वाटरिंग करते हैं तो पानी में मिट्टी गीली है, उसके बाद एक्सेस वाटर होने के वजह से भी प्लांट में ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी कलियों को येलो करके गिराता है। तो जब भी गुड़हल में पानी डालें, मिट्टी 1 से 2 इंच जब आपको ड्राई दिखे तब आप पानी डालें। लेकिन अगर आपके पौधे पे ढेरों फूल खिल रहे हैं तो फिर मिट्टी को हद से ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है, वरना फ्लावर्स अच्छे से नहीं खिलेंगे। इसके बाद जो है तीसरा काम क्या करना है आपको, आपके पौधे पे गुड़ाई। गुड़ाई आप हर 15 डेज में एक बार ज़रूर करिए। मिट्टी आप एकदम वेल ड्रेन भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे और उसमें पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। आप देख सकते हैं मेरे पौधे की मिट्टी कितनी वेल ड्रेन, कितनी भुरभुरी मिट्टी है। इस तरह की मिट्टी में प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। खाद के तौर पर मैं बताने वाली हूँ कि आप आपके पौधे में कौन सी खाद डालें। इस टाइम में फ्रेंड्स देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट जो कि 2 मुट्ठी तक होगी। वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़रूरी होती है, पौधे में अच्छा वर्क करती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो गोबर खाद ले सकते हैं। उसके अलावा ये 1 चम्मच तक मैंने इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती ले ली। चाय की पत्ती आपका नाइट्रोजन युक्त खाद होती है और पौधे की जो पत्तियां आती हैं वो काफ़ी लश ग्रीन आती हैं, चमकदार आती हैं और पौधा अपने ग्रोथ अच्छे से करता रहता है। तो ये 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट में 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती। तीसरा एक, ये जो आप देख रहे हैं ये सिनेमन स्टिक है,
दालचीनी है, ये क्या करेगी, ये समटाइम्स गुड़हल की मिट्टी में कुछ इंसेक्ट लग जाते हैं और ये एज अ फर्टिलाइज़र, इसमें अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग महक होती है जिस वजह से आपके गमले में ना तो चींटियाँ जल्दी लगती हैं और ना ही दूसरे इंसेक्ट। तो ये आप वंस अ मंथ, ये इतना बड़ा सा आप टुकड़ा चाहे आप इसका पाउडर बना लीजिए या फिर इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। इसकी महक से पौधे में जल्दी चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी। उसके बाद जो मैंने दिखाया, समटाइम्स पत्तियाँ कुछ पीली होती हैं तो ये मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से भी होती हैं। इसको दूर करने के लिए ये देखिए, ये है एप्सम सॉल्ट, है बहुत अच्छा मैग्नीशियम सल्फेट का एक स्रोत होता है, सोर्स होता है। आप ये जिस भी पौधे में आपको पत्तियाँ लश ग्रीन नहीं दिख रही हैं, फेडेड सी दिख रही हैं, उनके अंदर पूरी पत्ती येलो हो रही है और बीच में जो उनकी नस है वो अगर सिर्फ ग्रीन है तो दैट मीन्स आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी है। ये 2 ग्राम तक, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसको ज़रूर रखें, कुछ कुछ चीज़ें पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। 2 ग्राम तक डालना होता है, एक बार मंगाते हैं तो 2 से 2.5 साल चलता है और बहुत सस्ता मिलता है, कोई बहुत महंगा नहीं मिलता है आपको ये एप्सम सॉल्ट। इस तरह से देखिए, मिट्टी में डालने के बाद अच्छे से जो भी खाद है उसको मिट्टी के नीचे कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये अपना न्यूट्रिएंट रिलीज़ करेगी और जो पौधे की जड़ें हैं इनको सक करती रहेंगी और ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी पौधे की। ये डालने के बाद देखिए, इसको प्रॉपर आपको अच्छे से दबा देना। अब मैं आपके, और इसके बाद जब भी आप खाद देते हैं तो खाद डालने के बाद हमेशा वाटरिंग बहुत अच्छे से करिए। जब भी पानी डाल रहे हैं पौधे में तो इतना पानी ज़रूर डालिए कि पानी नीचे तक चला जाए, भले आपको एक दिन गैप करके डालना हो। कभी भी कम पानी मत डालिए कि बहुत थोड़ा सा आपने डाल दिया। कटिंग लगाने के लिए देखिए, कोई इस तरह से इनकी एक हार्ड ब्रांच को आपको चूज़ करना है, सेमी हार्ड ब्रांच। ये वाला देख रहे हैं, मेरी ब्रांच काफ़ी लेगी सी हो रही थी, बहुत लंबी चली गई थी, तो मैंने इसी को देखिए इस तरह से कट कर लिए। ये थोड़ा सा देखिए थिक होनी चाहिए, बहुत पतली ब्रांच आप नहीं चूज़ करेंगे। फिलहाल एक यही ब्रांच थी जो इतनी थिक है, मैंने इसको चूज़ कर ली। इसकी देखिए नीचे नीचे की मैंने सारी पत्तियाँ हटा दिया है, 2 इस तरह की ब्रांच चूज़ की है। ये वाली थोड़ा सा पतली है लेकिन फिर भी देखिए ट्राई करते हैं। इसको लगाने के लिए जब भी कटिंग लगा रहे हैं तो छोटे से छोटा कंटेनर चूज़ करिए जिसमें कम से कम मिट्टी हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कटिंग में रूट्स तो होती नहीं है। ज़्यादा मिट्टी में लगाएंगे तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो कटिंग सड़ जाती है, गल जाती है। कंटेनर में देखिए, ये है यूज़ एंड थ्रो ग्लास है, इसमें देखिए नीचे कई सारे होल्स मैंने कर रखे हैं और ये मिट्टी में देखिए जैसे ही पानी डाला पानी ड्रेन आउट हो गया। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है एलोवेरा। एलोवेरा एज अ रूटिंग हार्मोन बहुत अच्छा वर्क करता है और इतना इतना टुकड़ा देखिए मैंने कटिंग में अच्छे से नीचे नीचे रब करने के बाद उसी में फंसा दिया। बस सिंपली ये गार्डन सॉइल थी, सिंपली बस आपको एक होल करना है और इस होल में कटिंग को एकदम आराम से सेंटर में आप अच्छे से 2 से 3 इंच अंदर दबाते हुए प्लेस कर दीजिए। ध्यान ये रखिए, 2 से 3 दिन 4 दिन कटिंग को शेड में रखिए, कटिंग बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और उसके बाद फिर आप उसे 8 से 10 दिन के लिए सुबह की 2 से 2.5 घंटे की सनलाइट दीजिए। फिर इस तरह से करते करते सनलाइट आप बढ़ाते जाएंगे और पौधे को बिल्कुल भी आपको हिलाना नहीं है, बारिश बहुत तेज़ हो रही उसमें नहीं रखना। इस तरह से आप इनकी सनलाइट बढ़ाते जाएंगे, अच्छे से इसमें रूट्स आ जाती हैं। देखिए कटिंग लगाने के बाद थोड़ा सा सॉइल से मिट्टी और मैं कवर कर दे रही हूँ इस तरह से, देखिए बस अब ये कटिंग लग के रेडी है। आप इसको रख दीजिए, मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर इनमें रूट्स आ जाती हैं और ये आपके फ्री के प्लांट आप इजीली बना सकते हैं। मैं इसी तरह से कटिंग लगाती हूँ और हमेशा हर बार मेरी कटिंग लग जाती। अगर आपकी कटिंग नहीं लगती है तो आप इसको 2 से 3 दिन किसी पानी में भिगो के रख दीजिए और उसके बाद आप लगाइए, तब भी आसानी से ये लग जाती। अब एक काम करना है, पौधे में इंसेक्ट वगैरह बहुत लग जाता
रहा है, तो उसके लिए आप 15 दिन में नीम ऑयल बना सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे करें। उसके लिए देखिए ये है नीम ऑयल, मैंने ले लिया है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून के करीब है। बहुत ज़्यादा आपको नीम ऑयल नहीं यूज़ करना क्योंकि तेज़ धूप में पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं। आधा चम्मच तक नीम ऑयल लिया और आधा ही चम्मच ये देखिए हैंड वॉश है डेटॉल का, बस इसको दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि नीम ऑयल खाली पानी में मिक्स नहीं होगा, उसमें आपको कुछ भी हैंड वॉश या फिर कुछ भी आपको मिक्स करना होगा तभी वो पानी में मिक्स होता है। बस देखिए इस तरह से दोनों को मिला के अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद 15 दिन में एक बार पौधे पे स्प्रे करें। जब भी स्प्रे कर रहे हैं या तो मॉर्निंग के टाइम में करिए या फिर शाम में 4 बजे तक जब धूप चली जाती, कभी भी तेज़ धूप में नहीं करना और रात होने पर नहीं करना, मतलब 6 बजे 5 बजे के बाद आपको नहीं करना है कि पत्तियाँ गीली रहें। इससे ना तो किसी किस्म का कोई फंगल डिजीज़ होगा और अगर किसी तरह का कोई इंसेक्ट लगा होगा तो उससे भी प्लांट बच जाएगा। समटाइम्स पौधे में मकड़ियाँ लग जाती हैं जो जाला बनाती हैं, स्पाइडर माइट्स, तो उनको ज़रूर चेक करके हटाते रहिए। एक बात और बताऊँगी फ्रेंड्स आप लोग को, गुड़हल एक ऐसा पौधा होता है फ्रेंड्स कि इसको एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होती। मे भी मेरे प्लांट की जो ये पत्तियां हैं थोड़ा सा येलोइश हो रही हैं, ये इसकी मिट्टी एल्कलाइन हो गई हो, तो उसको एसिडिक बनाने के लिए ये देखिए ये है एलम यानी फिटकरी। फिटकरी आपके मिट्टी को जो सॉइल मिक्स है उसको मेंटेन करके रखती, एसिडिक बनाती। बहुत छोटा सा ये पीस है देखिए, बहुत छोटा सा, अगर ग्राम में बात करूँ तो 1 से 2 ग्राम, मेन स्टेम से दूर एकदम रिम के कॉर्नर पे आप बस हल्का सा होल करिए और उसमें इसको दबा दीजिए, ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। ये आपको सिर्फ 1 से 2 महीने में एक बार करना है, इससे पौधे की पूरी पत्तियां लश ग्रीन होंगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।